हुकूमत की तरफ से खास रिस्पांस नहीं है हमारे पास। जो आए थे पार्टीज़ के लोग थे, नेशनल पार्टी के लोग थे, बीएनपी के लोग थे, आए थे दिलासा देने के लिए कि इज़हार यकजहती के लिए आए थे, लेकिन हेल्थ वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ भी लोग आए थे, लेकिन कुछ ऐसा ख़ास रिस्पांस अभी तक हमें ना मिला। क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट? यही कहना चाहेंगे कि आप अपना नज़र यहाँ पे भी डालें कि प्रेस क्लब के सामने हमने एक हफ्ते से पिछले भूख हड़ताली कैंप लगाए रखा है, अपने क्लासेस छोड़ के, अपने हॉस्टल छोड़ के, सब कुछ छोड़ के यहाँ बैठे हैं, पढ़ाई छोड़ के। तो हमारे सिंपल सी मुतालबात हैं, उनको बस तवज्जा दी जाए और पूरी किए जाए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए और हमारी आवाज़ बने। मेरा नाम एजाज अहमद खेतरान है और मैंने DPT किया हुआ बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से। बात ये है कि 5 रोज़ से अलामती भूख हड़ताल हमारा जारी है और आज 5वां रोज़ है, लेकिन हुकूमती नुमाइंदे कोई ख़ास नहीं है। लेकिन मैडम बुशरा रिंद आई थी, जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है, उनका मिनिस्टर हैं वो, उन्होंने ये यकीन दहानी तो कराई थी, लेकिन ताहाल अभी तक कोई ख़ास वो नहीं किया है। लेकिन हमारे जो ज़्यादातर मुतालबात हैं हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, तो हम लोग उनके इंतज़ार में हैं और अभी तक हम लोग पुरअमन थे और इंशाल्लाह आगे भी हम चाहते हैं कि पुरअमन ही रहें, लेकिन अगर इसी तरह हुकूमत ने कोई तवज्जो ना दी तो फिर इंशाल्लाह आगे जो है ना हमारे जो लाहेमल है वो ज़्यादा सख्त होगा। गवर्नमेंट हमारे बलूचिस्तान का गवर्नमेंट ये है कि जब तक उनका गला किसी चीज़ के लिए ना पकड़ें वो किसी चीज़ में हमारी हेल्प नहीं करेंगे। हम लोग बैठे हुए हैं काफ़ी 5 दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं, फिर भी हमारे मसले हल नहीं हो रहे। ये जो मिनिस्टर वगैरह हैं ये आके हमें दिलासा दे रहे हैं, मगर हम लोग अब जब तक अपने हमारे नोटिफिकेशन हमारे लिए नहीं आता तो तब तक हम लोग अपना ये कैंप जारी रखेंगे।